हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग। आज मैं आ गया हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। सो आज जो हम रिव्यू करेंगे वो रिव्यू करेंगे रहेजा अरण्य सिटी इन सेक्टर 11 एंड 14 इन सोना, साउथ ऑफ गुड़गांव। काफ़ी सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आप एक बार वहाँ जाइए, उस सिटी का भी एक बार रिव्यू कीजिए। तो मैं आज लेके आ गया हूँ अरण्य सिटी इन साउथ ऑफ गुड़गांव में। सो अभी जो है ये आ जाता है, जैसे मैंने बताया, सेक्टर 11 एंड 14 के अंदर 220 एकड़ के अंदर ये अरण्य सिटी आ जाती है आपकी, राइट। सो ये क्या है, एक मिक्स लैंड डेवलपमेंट है। इसमें आपका जो है हाई राइज, लो राइज, विलाज, हॉस्पिटल और आपके जो है स्कूल सब प्रपोज है, क्योंकि 220 एकड़ की टाउनशिप में ये सब मिलना भी चाहिए, राइट। सो आइए एक बार इसकी पहले कनेक्टिविटी समझते हैं और फिर उसके बाद फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो कनेक्टिविटी के अंदर मैं जो है आपको जो हमारा एलिवेटेड रोड ओपन जो हुआ है राजीव चौक टू टिल सोना तक, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि सोना एलिवेटेड रोड में अगर हम राजीव चौक से टिल एलिवेटेड रोड जहाँ ख़त्म होता है कितना टाइम लगता है और कितने मिनट लगते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मीनवाइल मैं आपको बीच में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट भी बताऊंगा कि कितने उसमें एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है और कितना टाइम लगता है हमें वहाँ से यहाँ तक, और फिर सोना एलिवेटेड रोड से मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊंगा इस प्रोजेक्ट की। तो चलिए चलते हैं। सो ये देखिए, राजीव चौक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आपको बीच में दिखाऊँगा कि कैसे एलिवेटेड रोड बन के निकली है, राइट। तो चलिए चलते हैं एक बार। एक एग्जिट और एंट्री आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने इस तरफ दी है सुभाष चौक के बाद, जब आप सुभाष चौक के अंडरपास को क्रॉस करके ऊपर आते हो, एक एंट्री एग्जिट अभी यहाँ पे दिया गवर्नमेंट ने। एग्जिट यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ने आफ्टर वाटिका चौक, लॉन्ग टर्म सेंटर जो कमर्शियल है उसके बाद दो एग्जिट अभी तक हो गए। एक यहां से आपकी एंट्री हो जाती है, दो एंट्री दो एग्जिट टिल बादशाहपुर चौक। ये हमने टोल क्रॉस कर लिया है, टोल तक हमारा टाइम लगा है वो लगा है 8 मिनट तो राजीव चौक और 11 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये हमारा सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा डीएमआईसी कॉरिडोर है, तो डीएमआईसी कॉरिडोर की कनेक्टिविटी यहीं से बनती है, तरह से क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से आप यू टर्न लेके और आप डीएमआईसी से अटैच हो जाते हो, डीएमआईसी रोड, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यहाँ पे सोना एलिवेटेड रोड फिनिश हो जाता है
लेफ्ट साइड में आपका सेक्टर 4-5 आ जाता है और सीधा हम चलेंगे अपना अपने प्रोजेक्ट पे। तो अगर मैं बात करूं राजीव चौक से सोना एलिवेटेड रोड तक सिर्फ 17 मिनट लगे हैं मुझे और डिस्टेंस ये रहा है अराउंड 21 किलोमीटर का, 21 किलोमीटर और 17 मिनट में। तो राजीव चौक से यहाँ चौक तक आप विद इन 17 मिनट दो ही एंट्री एग्जिट दिए। अगर हम राजीव चौक से यहाँ तक एलिवेटेड रोड खत्म होने तक आते हैं सिर्फ दो ही एंट्री एग्जिट। तो अब हम चलते हैं अपनी साइट पे। ये आ जाती है हमारी साइट रहेजा अरण्य सिटी, आप देख रहे होंगे सामने रोड, ये उसकी एंट्री है राइट। सो ये देखिए, ये मैं साइट पे पहुंच गया हूँ, ये इसका एंट्री गेट है रहेजा अरण्य सिटी का। और ये हम इस एलिवेटेड रोड से इस तरफ से हम आए थे, लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से एलिवेटेड रोड आपका आ जाता है। ये आपका रोड सीधा चला जाता है आपका IMT सोना और फिर उसके बाद KMP एक्सप्रेस वे। 5 मिनट पे आपकी IMT सोना आ जाती है और आगे जो आपकी KMP एक्सप्रेस वे राइट। सो ये आपका रोड, ये आपका एंट्री गेट राइट। पूरी सिक्योरिटी है, विदाउट परमिशन आप एंट्री नहीं कर सकते इसके अंदर राइट। तो ये थी हमारी कनेक्टिविटी, तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। आई थिंक कनेक्टिविटी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड सेगमेंट बिल्डर की। सो बिल्डर इसमें आ जाता है रहेजा। सो रहेजा की मैं बात करूं तो 1990 में ये कंपनी बनी थी और दिस बिल्डर हैव एक्सपीरियंस ऑफ 31 ईयर्स राइट। तो काफ़ी प्रोजेक्ट है इनके, अगर अराउंड ये 30+ प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं जिसमें से काफ़ी रेडी टू मूव है, बाकी ऑन गोइंग है। मेन इनका जो है डेली NCR के अंदर इनकी प्रेजेंस है राइट। और अगर मैं डेली की बात करूं तो इनके प्रोजेक्ट डेली मॉल करके है एक, डेली में इनका स्काई विला लीला स्काई विलास करके प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट निकल के आएगा वो वहां पे राइट। इसके अलावा गुड़गावा की बात करूं तो गुड़गावा में भी इनके न्यू गुड़गावा में जैसे कि इनके SCOs आए हैं 83-84 के अंदर और रहेजा संपदा, रहेजा वेदांते, रहेजा अथर्वे, काफ़ी प्रोजेक्ट है इनके। सो बिल्डर हैव एक्सपीरियंस इन कमर्शियल रेजिडेंशियल और ये सिटी तो यहाँ पे इनकी आ ही रही है राइट। सो ये था बिल्डर के बारे में। नाउ वेलकम टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इनके DDJY के प्लॉट्स आए हैं, DDJY के जो प्लॉट है अक्षरा के नाम से आए हैं प्रोजेक्ट। सो ये 220 एकड़ के अंदर लैंड जो ये टाउनशिप के अंदर ये प्लॉट आए हैं और जैसे कि मैंने बताया इसमें स्कूल, हॉस्पिटल्स, लो राइज, हाई राइज सबका इसके अंदर प्रोविज़न ऑलरेडी है राइट। और इसके अलावा प्लॉटिंग DDJY स्कीम आई थिंक आपको पता ही है। इवन इसमें यहाँ पे आपको 80 स्केयर यार्ड की भी इन्वेंट्री मिल जाती है इसके अंदर और 80 स्केयर यार्ड के ऊपर आप स्टिल प्लस 4 फ्लोर का प्लान अप्रूव है, जो कि मैं DDJY के बारे में स्कीम के बारे में बताता रहता हूँ। मेन पॉइंट उसका यही है कि जैसे अगर आप हुड्डा में जाते हैं तो 180 स्क्वायर यार्ड से ऊपर अगर आपकी प्लॉट का साइज़ है तभी आप स्टिल प्लस 4 फ्लोर बना के इंडिविजुअल रजिस्ट्री करा के सेल कर सकते हो। बट यहाँ पे तो अगर आप 80 स्क्वायर यार्ड का भी लोगे DDJY प्लॉटिंग के अंदर तो आप स्टिल प्लस 4 बना के और उसको इंडिविजुअल आप वो भी कर सकते हो राइट। सो ये DDJY स्कीम के बारे में था। बाकी इस टाउनशिप है तो टाउनशिप के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, एक सिटी एक जो है हाई राइज ब्रीज हिल व्यू करके ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मैं अगर जैसे आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे ये जो ब्रीज हिल व्यू करके प्रोजेक्ट है ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं राइट। अगर मैं बात करूं स्कूल्स की यहाँ पे तो स्कूल्स जैसे कि सोना एलिवेटेड रोड पे ही आपके 5 रेप्यूटेड स्कूल आपको मिल जाते हैं, GD गोइंग का स्कूल और भी स्कूल्स रेप्यूटेड स्कूल आपको मिलेंगे वहाँ पे एलिवेटेड रोड पे। इसके अलावा अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ, हॉस्पिटल छोटे मोटे हॉस्पिटल तो हैं ही, बाकी अगर मैं बड़े मेन हॉस्पिटल्स की बात करूँ, फोर्टीज, मैक्स हॉस्पिटल, मेडी सिटी,
ये सब हॉस्पिटल आपको जैसे 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मेन सिटी के अंदर मिल जाएंगे। बाकी और हॉस्पिटल्स तो यहाँ पे है ही। मेन हॉस्पिटल इसलिए बताए जाते हैं ताकि एक रिकॉग्निशन रहे कि हाँ ये मेन मेन हॉस्पिटल जो है इतने डिस्टेंस पे आपके आ जाते हैं, राइट। और एलिवेटेड रोड की अगर मैं बात करूँ, एलिवेटेड रोड पे सेंटर फ्लावर वैली, गोदरेज सेनेटी, एल्डिको, काफ़ी आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इवन सेक्टर 4-5 के अंदर भी आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी डेवलप है यहाँ पे, राइट। जैसे मैं अगर बात करूँ सोना एलिवेटेड रोड जो है वो आपका ऑपरेशनल है। इसके अलावा DMIC आपका ऑपरेशन होने वाला है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीधा, अगर हम यहाँ से जाते हैं, जैसे कि मैंने कनेक्टिविटी में बताया, आपका IMT सोना आ जाता है। IMT सोना आपका ऑलमोस्ट मानेसर जो आपका है, मानेसर ऑलमोस्ट उसके बराबर, मानेसर आपका जो आ जाता है वो आ जाता है अराउंड 1300 एकड़ के बीच में, और ये उससे भी बड़ा IMT सोना बन के निकल के आ रहा है। तो सोना IMT और फिर उसके बाद आपकी KMP एक्सप्रेसवे, वो भी आपका ऑपरेशनल है। तो KMP एक्सप्रेसवे, सोना एलिवेटेड रोड, DMIC आपका ऑपरेशनल है, राइट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है। बट जब मैं आपको ये सिटी दिखाऊंगा जो अरण्या सिटी के नाम से है, इसमें भी आप देखोगे कि रोड्स का काम हो चुका है, सीवर का काम हो चुका है, पोल्स लग चुके हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ऑपरेशनल ही है, राइट। तो ऐसी कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली इस सिटी के अंदर। तो एक बार चलिए सिटी को अंदर से देखते हैं और देखते हैं कि हमारी प्लॉटिंग भी कहाँ पे है, क्योंकि 220 एकड़ की टाउनशिप है। तो मल्टीपल फेसेस में जो है इसकी प्लॉटिंग है, जैसे पहले अरण्या सिटी फेस 1, फेस 2, और अभी जो हमारी अक्षरा प्लॉटिंग है वो भी हम फेस 2 की ही बात करेंगे, राइट, क्योंकि फेस 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो चलिए एक बार सिटी का व्यू करते हैं और फिर इसकी प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की डिस्कशन करेंगे। चलिए तो चलिए एक बार इस टाउनशिप देखते हैं कैसे बन के आ रही है। राइट साइड में ब्रीज हिल व्यू करके प्रोजेक्ट है जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। तो ये देखिए ये कितनी चौड़ी रोड है, रोड का काम ऑलरेडी हो चुका है, सीवर का काम ऑलरेडी हो चुका है, राइट। ये आपका सेक्टर 14 आ जाता है। देखिए आप कितनी ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी आपको यहाँ काफ़ी मिलने वाली है। चलिए अगर मैं पार्क की बात करूँ, काफ़ी पार्क है और एक एक एकड़ के आपको जो यहाँ पे पार्क मिलने वाले हैं, राइट। देखिए आप रोड का काम देख सकते हैं, ग्रीनरी देख सकते हैं दोनों साइड, कितनी अच्छी ग्रीनरी है। साइड में आपको लैंड दिख रही है, ये अदर लैंड है। हमारी जो बिल्डर की जो टाउनशिप रहने वाली है वो इसी के अंदर आपकी टाउनशिप रहेगी सारी। देखिए कितनी चौड़ी रोड आ रही है आपके यहाँ पे, देख सकते हो। साइड में जो है नर्सिंग होम की साइट है। सामने आप देख सकते हो अरावली का व्यू आ रहा है बिल्कुल। ये थोड़ा सा एक पैच, रफ पैच है जो कि सेक्टर 14 को 11 से अटैच करता है। ये भी आपकी फ्यूचर में चौड़ी रोड होगी, ये वाली भी आपकी, राइट। यहाँ से हमारी सही रोड आ जाती है।
इस तरह से जो है ये अरण्य सिटी निकल के आ रही है। आपका जो है रोड का काम हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का काम आपका हो चुका है, राइट। सो इस तरह से निकल के आ रही है सिटी ये। सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 220 एकड़ की टाउनशिप है, तो मल्टीपल फेसेस में चीज़ें निकल के आ रही है। सो अभी जो सेकंड फेज का प्राइसेस आ जाता है आपका, वो आ जाता है 36,000 पर स्क्वायर यार्ड, जो आपका ऑल इन है, राइट। और बेस्ट डील और डिस्काउंट के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बट लेने से पहले आप चीज़ को समझें, कनेक्टिविटी को समझें, बिल्डर को समझें, और कैसे चीज़ निकल के आ रही है वो सब चीज़ों को समझें। रेट काफ़ी कम है, तो मुझे तो ठीक लगा रेट ये, राइट। सो अगर मैं अगेन बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपका जैसे मैंने आपको बताया सोना एलिवेटेड रोड आपका ऑपरेशनल हो चुका है, DMIC आपका ऑपरेशनल होने वाला है, आपका आगे KMP एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल है, सिटी पूरी आपकी गेटेड रहेगी, एमिनिटीज़ इसके अंदर रहेंगी, किड्स प्ले ग्राउंड आपका हो गया, आपको बड़े बड़े पार्क मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी। जैसे मैंने आपको अरावली का व्यू भी दिखाया, वो भी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जो आपके फॉरेस्ट लैंड के अंदर जो आपका अरावली एरिया आता है, उसमें आगे कोई हाई राइज या लोअर राइज आने के चांसेस बिल्कुल लो हैं, राइट। सो वो आपको एक फ्रेश ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपको मिलेगी, जो कि आपको दिल्ली और गुड़गांव में इस टाइप की जो ग्रीनरी आपको नहीं देखने को मिलती, राइट। सो आई थिंक मैं सारे पॉइंट कवर कर चुका हूँ। तो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट DDJY प्लॉटिंग बाय रहेजा अरण्या सिटी, अक्षरा के नाम से जो आ जाती है, राइट। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। बाय।